नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के बालासर गांव में बुधवार शाम को तेज तूफान आने से मकान धस हुआ, जिसमें दो बालक की मौत, चार हुए घायल। जिन घायलों को राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, तो क्या कहते हैं परिजन और डीवाई एसपी पुष्पंदर सिंह, सुने पूरी बात। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। पिताजी नाम अग्रराम, गाँव बालासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। तो कल क्या हुआ, आंधी तूफान आए, हम लोग घर पे थे, तो फिर रोने की आवाज़ आई। हम लोग भाग के जल्दी गए, वहाँ से निकाले, दो बच्चे घायल ख़त्म हो गए और चार बच्चे, ये तीन बच्चे और एक मरीज, उनको बाहर निकाले तो ठीक थे। फिर हम लेके आए शिव से, मेरे पार की बाढ़ में लेके आए, उसके बाद में अभी तक ठीक है, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। तो क्या घर में कौन थे, कितने लोग थे उस टाइम जब हादसा हुआ? घर में सात लोग थे, बाकी एक को लगा नहीं, भागी गया, और बाकी छः लोग को लग गया, दोनों की मौत हो गई थी, एक लड़की थी एक लड़का था। क्या लगते हैं आपको? घर 22 साल लगती है। अच्छा, आपके भाई उस टाइम घर पर नहीं थे? नहीं, घर पर नहीं थे। और प्रशासन या पुलिस आई? तो मौके पर पुलिस प्रशासन वगैरह आए थे? हाँ, पुलिस भी आई थी मौके पर। तो मतलब कल कितने शाम कितने बजे घटनाएं हैं? पहले आंधी आई थी क्या? आंधी पहले आई थी चार बजे, उसके बाद में बारिश आया, उसके बाद फिर और आई, पाँच बजे भी आया, पाँच भी आई। आसपास और भी घरों में कोई नुकसान हुआ? घर मेरा पेट का हुआ, अगर हम घर के दो पत्थर उठ गए, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे पेड़ पौधे बहुत गिरे, लाइट के खंभे भी गिर गए और आगे बहुत गिरे। शिव थाना क्षेत्र में बालासर गांव है, वहाँ लीकरी क्षेत्र है, उसके अंदर मानाराम जी मेघवाल का मकान है। तो कल 5-1 बजे से वहाँ ये तूफान की वजह से कच्चा मकान था ईंटों का, वो गिर गया, जिसमें दो बच्चे, एक बच्ची थी 10 साल की, एक 8 साल का बच्चा था, वो ख़त्म हो गए दब करके। चार अन्य घायल हुए, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वो और भी जो है मकानों में कोई डैमेज हुए आसपास के मकानों उस तूफान की वजह से, तो ऐसे जो हिसाब से जो भी है आकलन करने का कार्य है। सर, घायलों का इलाज कहाँ बाड़मेर लाया गया? हाँ, इलाज चल रहा है उनका, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।